कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हेलो शेयर स्क्रीन, यस ओके, इज इट विजिबल नाउ? तो हमारे चौथे अध्याय का नाम है नारद मुनि जी का प्राकट्य, अपीयरेंस ऑफ श्री नारद। तो जैसे हम पहले देख चुके हैं कई बार, इस अध्याय का ब्रेकअप क्या है ना? पहले 6 प्रश्न पूछे थे शौनक ऋषि जी ने, और अब फिर कुछ नए प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न था श्रीमद् भागवतम इतिहास के बारे में। आपको याद होगा तीसरे अध्याय के अंतिम में हमने भागवतम की महिमा का वर्णन सुना था, है ना? याद है आपको? अभी पूछ रहे हैं, अभी इसका इतिहास बताइए कैसे प्रकट हुआ ये। और दूसरा, सुखदेव गोस्वामी जो वक्ता हैं श्री भागवतम के, उनके बारे में बताइए। फिर श्रोता परीक्षित मार्ग के बारे में बताइए। फिर बताते हैं कि व्यास देव क्यों वेदों को बांटते हैं, विभाजित करते हैं, क्योंकि कलयुग में लोगों की स्थिति बहुत खराब है, वेदों को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए कृपा पूर्वक कृपा के वश में आकर वेदों का विभाजन करते हैं। पहले एक वेद हुआ करता था, बाद में 4 वेद हुए, और बाद में पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, और उसके बाद उन्होंने महाभारत की रचना की। इतिहास है उन वर्ग के लोगों के लिए जो रिलेटिवली तुलनात्मक थोड़ा ज्ञान जिनका ज्यादा होता है, और बाद में जो व्यास जी जो है इतना कुछ करने के बावजूद भी असंतुष्ट थे, ही वाज कंप्लीटली डिससैटिस्फाइड। फिर वो जो है नारद मुनि गुरु का ध्यान करते हैं, गुरु प्रकट होते हैं, और फिर गुरु उनको क्या संदेश देते हैं वो अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। ये हम चर्चा कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे। हम सीधा चलेंगे 7वें 8वें श्लोक के ऊपर, जिसका हमने बस पढ़ा ही था, तात्पर्य नहीं पढ़े थे इसका। वेद और पुराणों में क्या अंतर है, ये पढ़ा था हमने। ये हम कर रहे थे, ठीक है। 17वां 8वां ओके। भौतिकानां च भावानां शक्तिहासं च तत्कृतम् अश्वत्थानां निश्चर है तवान दुर्मेधान असितायुष दुर्भाग्यश्च जनानं
दुर्भाग्यश्चा जनान्वीक्षय मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमानां यत् दधायु हितं अमोघदृक्। तो यह बता रहे हैं कि अपनी त्रिकालदर्शी योग्यता के कारण जो है व्यास देव जी देख पा रहे थे कि आगे कलयुग की स्थिति इतनी भयानक होने वाली, और धीरे धीरे लोगों की आध्यात्मिक दृष्टि समाप्त हो जाएगी, लोगों में अविश्वास अज्ञान बढ़ेगा, सत्वगुण की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाएगी, धैर्य लोगों में कम हो जाएगा। ये चिंतन करने के बाद व्यास जी सोच रहे हैं कुछ तो करना चाहिए ऐसे लोग कल्याण के लिए। देखो ये व्यास देव हमारे बारे में सोचे, चिंतन किए, इसलिए भागवतम जो है हमारे सामने प्रकट हो रहा है ना। तो एक भक्त स्वभाव से जो है, हम गाते हैं ना वैश्य प्रणाम मंत्र में, क्या बोलते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च, क्या बोलते हैं, बोलिए, कृपा सिंधु, कृपा सिंधु, जैसे भगवान के लिए भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु, भगवान को बोलते हैं करुणा सिंधु, भक्त को बोलते हैं कृपा सिंधु, दोनों सिंधु हैं, क्योंकि दोनों के जीवन का उद्देश्य एक ही, किस तरह से जन कल्याण के लिए कार्य किया जाए। तो व्यास देव सोच सोच के चिंतित हो रहे हैं कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि कलयुग के हैं, युग की स्थिति बहुत खराब है, बहुत भयानक है, और उसको अच्छे से प्रभुपाद समझाते हैं तात्पर्य, ठीक है। हेमांगी माता पढ़ेंगे, हरिदेव दंडवत प्रणाम. द प्रणाम। अनमैनिफेस्टेड फोर्सेस ऑफ टाइम आर सो पावरफुल दैट दे रिड्यूस ऑल मैटर टू ऑब्लिवियन इन ड्यू कोर्स. इन कलयुग द लास्ट मिलेनियम ऑफ राउंड ऑफ फोर मिलेनियम्स द पावर ऑफ ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स डिटोरिएट्स बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम. क्या बता रहे हैं आप, जो अनमैनिफेस्टेड फोर्सेस है काल के, वो इतने शक्तिशाली होते हैं दैट दे रिड्यूस ऑल मैटर टू ऑब्लिवियन इन ड्यू कोर्स. धीरे धीरे आप देखते हैं हर चीज का क्षय होता है, हर चीज क्षय होता है, बहुत सी जगह एक भी ऐसी चीज नहीं है। भगवत गीता में हम श्लोक पढ़ रहे थे अभी लास्ट संडे को, उसमें एक शब्द आया था अक्षय शांति, ऐसी शांति जो अक्षय है, अक्षय मतलब जिसका कोई क्षय नहीं होता, और भौतिक जगत में हर चीज का क्षय होता है। अभी 23 तारीख को अक्षय तृतीया आ रही, 23rd of this month संडे मॉर्निंग है ना, हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं। आपने देखा पोस्टर, किस किसने पोस्टर देखा है, किस किसने देखा है, उदय पवार ने देखा अभी तक, तो बाहर वाले हाथ खड़ा करो, तुमने माते ही नहीं देखा अभी तक, नहीं अच्छा देखी आपने जी. देखा तो रजिस्टर किया क्या नहीं आपने, वो पहले आ रही हूँ नहीं आ रही हूँ तो कंफर्म दैट देन आई विल रजिस्टर. सॉरी दैट अभी फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग हाउ आई एम गोइंग टू कम इज नॉट योर एंड वरी, दैट इज आवर वरी, दैट इज आर वेल, ठीक है। सो उदयपुर भीलवाड़ा ये भक्तों से निवेदन है कि वो जो रजिस्टर करें हैं और आने का प्रयास करें, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि काल के प्रभाव से हर चीज का क्षय हो रहा है इस भौतिक जगत के, और स्पेशली यहाँ पर वर्णन आ रहा है लास्ट मिलेनियम, जो 4 युगों में जो अंतिम युग है उसमें कलि का प्रभाव इतना भयानक है कि जो क्षय की स्पीड है वो बढ़ जाती है ना। प्रभुपाद
बताएंगे आगे कि सतयुग में प्राय सतयुग सत्वगुण की प्रधानता होती है, इसलिए आयु लंबी होती है, काल का प्रभाव कम पड़ता है। लेकिन कलयुग आते आते जो है सत्वगुण ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, तमोगुण ज्यादा मिलता है, रजोगुण ज्यादा मिलता है, इसलिए क्षय की जो गति है वो बढ़ जाती है, कि जल्दी समाप्त होती, जल्दी खत्म होती है, इसलिए आयु समय के साथ साथ कम होती जा रही है। 1 लाख साल से 100 साल वैसे ही हो गई थी, 100 साल धीरे धीरे घटते घटते 60-70 साल हो गई है, कुछ समय के बाद और गिरती जाएगी। कितने ही हम मेडिकल प्रोग्रेस कर लें, है ना, नए नए ऑपरेशन थिएटर बना लें, नई नई मशीनें बना लें, लेकिन आयु को गिरने से नहीं बचा पाएंगे, काल का प्रभाव है। ओके नेक्स्ट। In this age of in this age, the duration of the material body of the people in general is much reduced, and so is the memory. हाँ, तो बता रहे कि आई, हाँ सॉरी, गो अहेड गो अहेड माता जी। इस कलयुग में लोगों की आयु, जैसे अभी प्रभु जी ने कहा कि वो तो कम हो रही है, 60-70 साल तक आ रही है, बट विद द आयु उनकी मेमोरी, उनकी जो क्षमता है बुद्धि की, याद करने की क्षमता भी हमारी सबकी वो कम हो रही है कलयुग के प्रभाव से. क्यों क्यों कम होती है कलयुग में, स्मरण शक्ति क्यों कम होती जा रही है, ये अपना मोबाइल नंबर भी याद नहीं रहता है, बहुत मुश्किल है ना, कोई आपको फोन पे बताता है मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लो, आप 5 बार बोलते हो, अरे फिर से बताना, अरे फिर से बताना, अरे फिर से बताना, भूल गया, फिर से बताना जब ये हमारी स्मरण शक्ति हो गई है पहले सुत्रगुरु स्वामी ने 18,000 श्लोक 7 दिन सुने और सारे के सारे याद कर ली, हमको एक मोबाइल नंबर याद नहीं होता है। देखो क्या, जस्ट इमेजिन दिस, इतना पतन हुआ है हमारा, इसी कारण क्यों ऐसा पतन हो रहा है पता है, क्योंकि मन चिंतित रहता है हमेशा, है ना, प्राय न कल क्या प्राय न पायु सभ्या कलो अस्मि युगे जमा, मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य ही उपद्रता। कलयुग में प्राय लोग बहुत चिंतित रहते हैं, आप जरा लिखो अपने नोटबुक में सबसे बड़ी चिंता क्या है आपकी जो आपको सता रही है, लिखो एक बार, ऐसी एक चिंता लिखो जो आपको चिंतित रखती है, मेरे माता ही बोले मेरी तो कोई चिंता है, लिखने को कुछ लिख रहे हो क्या अभी, अच्छा राइटिंग हाँ लिखो, सब लिखो, तो अनुभव करो, लिखा सबने, कौन बोले आपको चिंता नहीं है, कह रहे हैं बिल्कुल है ना, ये चिंताएं बढ़ती जा रही हैं कलयुग में, हमेशा कोई ना कुछ, कभी या तो शारीरिक चिंता होती है, या मानसिक चिंता होती है, या पारिवारिक चिंता होती है, या फिर यारी दोस्ती में कुछ हो गया, ऑफिस में कुछ हो गया, बिजनेस में कुछ हो गया, गाड़ी कुछ हो गया, मकान कुछ हो गया, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। भागवतम कहती है पदम पदम यद विपदा, ये समाशितो पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारी भवांगो धीर्वस्पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषां। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे जगत में नहीं रहना चाहता जहां पर पद पद पर विपदा है, कोई लाइफ है बताओ जो जीवन जी रहे हैं, कोई जीवन है क्या, हमेशा कुछ ना कुछ घुसा रहता है मानसिक स्थिति इतनी खराब रहती है, विमला माता जी मानते कि नहीं, तो इसलिए स्मरण शक्ति जो है कलयुग का क्षीण होती जा रही है। आगे द एक्शन ऑफ मैटर हैज ऑल्सो नॉट सो मच इंसेंटिव. द लैंड डज नॉट प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स इन द सेम प्रोपोर्शन एज इट डिड इन अदर एजेस. द काउ डज नॉट गिव मच मिल्क एज इट यूज टू गिव फॉर्मली.
प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इज लेस देन बिफोर। तो खाली हमारी आयु में पतन नहीं हो रहा है ना, हर चीज में पतन हो रहा है। पृथ्वी बोलती है मैं ज्यादा गेहूं नहीं दूंगी, है ना। जब पृथ्वी पर भार बढ़ता है, पाप का भार, तो पृथ्वी मना करती है देने को, मैं अभी उपज नहीं दूंगी, सब लोग दुष्ट हैं। ऐसे पृथु महाराज के राज्य में भी पृथ्वी ने देने से मना कर दिया। पृथु महाराज तो बड़े शक्तिशाली भगवान के शक्ति है, जो अवतार है, वो तो भाग पड़े पृथ्वी के पीछे देती कि नहीं देती, है ना। तो जबरदस्ती लिए पृथ्वी से, लेकिन हमारे आप में एक क्षमता नहीं है, बस इमेजिन मिलर माता ही भाग रही है गाय के पीछे, क्या फर्क पड़ेगा, डजेंट मैटर, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि केवल आयु नहीं, हर चीज में पतन हो रहा है, है ना। और हम ये तब महसूस ज्यादा कर सकते हैं जब हम सत्य के बारे में सुनेंगे, है ना। अभी लोगों को लगता नहीं हमारी आयु कम हो रही है, जब तुम्हें बताया नहीं जाए, आप जैसे लोगों की आयु 1 लाख साल होती थी पहले, फिर पता लगता है पतन हो रहा है। जब पिछले 10 साल में देखेंगे, और हमने कितनी प्रगति कर ली, है ना, कितनी प्रगति कर ली। 10 साल से हमारे मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था, इतने बड़े ऐसे टेलीविजन नहीं होते, इतने बड़े मॉल्स नहीं हुआ करते थे, हैं, इतने बड़े हवाई जहाज नहीं हुआ करते थे, कितनी प्रगति कर ली, है ना। लोग सोचते हैं, सोचते कितनी प्रगति हो गई है। उदयपुर में एक हॉस्पिटल था, अभी हमारे 50 हॉस्पिटल हैं, एकदम सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स हैं। डॉक्टर को वहां पर बता सकते हैं आप गीतांजलि में क्या क्या है ना, लेकिन भरे पड़े हैं, 50 के 50 हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। ये प्रगति है, दिस इज एडवांसमेंट, दैट एवरी हॉस्पिटल इज फुल ऑफ पेशेंट्स, है ना। यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओगे तो लाइन लगी होती है वहां, क्योंकि हमारी क्या होता है, जैसे सेंसेक्स में किसने पैसा लगाया कभी, है शेयर्स में। जिला शक्ति माता जी एक्सपर्ट है इस, पता आप, ये स्टॉक एक्सचेंज में काम कर चुकी हैं। तो उसमें क्या होता है, यदि आप देखेंगे ना पिछले 1 हफ्ते में क्या ट्रेंड है, और 10% राइज हो गया, है ना, 10% स्टॉक मार्केट रूस। और 1 साल में देखेंगे तो लगेगा 20% गिर गया है 10 साल देखेंगे तो कहें तात्पर्य, ऑन लॉन्गर टर्म पिक्चर इज वेरी डिफरेंट देन शॉर्ट टर्म। तो हम तो जो हमने देखा है अपने जीवन काल में 10 20 50 साल, उसके हिसाब से हिसाब किताब लगाते हैं। देखिए ऋषि मुनि गण शास्त्र पढ़ते हैं, देखते हैं कि पहले जीवन कैसे हुआ करता था, तो तुलना करते हैं, बोलते कलयुग तो एकदम पतित युग है, सब कुछ खत्म हो रहा है, जीवन खत्म हो रहा है, मन की शांति खत्म हो रही है, आयु समाप्त हो रही है, स्मरण शक्ति समाप्त हो रही है, गायें दूध नहीं देती है, इसलिए गायें बाहर घूमती हैं सड़कों पर, छोड़ देते हैं ऐसी गायों को, है ना, क्योंकि दूध नहीं देती है। पहले ऐसा नहीं होता था। आगे पढ़िए, हम का प्रभाव अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं। यस माता जी, As such, all living beings, both man and animals, do not have sumptuous nourishing food due to want of so many necessities of life. Naturally, the duration of life is reduced, the memory is short, intelligence is meager, mutual dealings are full of hypocrisy, and so on. आपसी आपसी जो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपसी जो आदान प्रदान है, उसके स्तर में भी क्या आ गया, गिरावट आ गई, एक दूसरे के प्रति विश्वास खत्म हो गया। आजकल किसी को विश्वास नहीं कर सकते आप, कर सकते हैं, बड़ा मुश्किल विश्वास करना। मैंने किसी को विश्वास करके अपना फ्लैट दिया बॉम्बे में, 3 साल हो गया, ना किराया दे रहा है ना खाली कर रहा हूं 3 साल से कोर्ट के पेशिया 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 हो रही, किसी विश्वास नहीं कर सकते, यू कांट ट्रस्ट एनी वन, कलयुग है। आगे बढ़ो, And all such transcendentalists who are naturally devotees of the Lord are always eager to render welfare service to the people in general. तो ऐसी स्थिति को देखकर भक्तों के हृदय में करुणा उत्पन्न हो जाती है, कुछ करना चाहिए ऐसे जीवों के लिए।
जैसे व्यास देव जी चिंतन कर रहे हैं, प्रभुपाद के मन भी चिंतन हुआ करता था, हाउ डू आई सेव द एंटायर वर्ल्ड। हाँ, यदि एक भक्त चिंतन करता है कि मैं पूरे विश्व बचाना चाहता हूं, ये असंभव नहीं है। शास्त्र बताते हैं कि एक शुद्ध भक्त पूरे ब्रह्मांड को उतार सकता है। वन प्योर डिवोटी कैन डिलीवर द एंटायर यूनिवर्स, कैन यू बिलीव दिस? एंड वी हैव वंडरफुल एग्जांपल, गुड एग्जांपल, वी हैव शोन दिस, इट इज पॉसिबल, गुड एग्जांपल। बहुत प्रभुपाद कुछ, जी प्रभु प्रभुपाद जी हाँ, प्रभु यस, है ना, चैतन्य महाप्रभु भी प्रचार किए भारत में, है ना, इसी बार नहीं गए, है ना, भारत में भी स्पेशली साउथ इंडिया, कुछ वृंदावन में है, और नवदीप धाम में, लेकिन प्रभुपाद कहाँ का प्रचार नहीं किया, कहाँ का नहीं किया, प्रूव दैट वन प्योर डिवोटी कैन डिलीवर द होल यूनिवर्स। एक शुद्ध भक्त पूरे ब्रह्मांड को उतारने में सक्षम। ऐसे भक्तों के दर्शन करने के देवी देवता भी आते हैं, पता है, ऊपर से आते हैं दर्शन करने के, प्रभुपाद दर्शन करने के, तो गुरु पूजा होती है तो उनको दिखाई नहीं देता, देवी देवता खड़े होते हैं पीछे, कोई बोल होते हैं जय प्रभु पदाय जय प्रभु, जैसे इमेजिन इंदिरा सिंगिंग जय प्रभु पदाय जय प्रभु पदाय, इंदिरा भवना जय प्रभु, इट इज नॉट सरप्राइजिंग, इट इज नॉट सरप्राइजिंग, द डेमी गॉड सिंग द ग्लोरीज ऑफ प्योर डिवोटीज। आगे, They are the real friends of the people in general, not the so-called public leaders who are unable to see what is going to happen 5 minutes ahead. उदयपुर में आजकल हर जगह बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं, है ना, हमारे यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, एवरीवेयर ही इज लाइक एवरीवेयर, कौन कौन उदयपुर से हैं सब देखे हैं ना, गौरव माता जी, हु इज विजिबल एवरीवेयर इन उदयपुर, आई फॉरगॉट हिज नेम, चीफ मिनिस्टर ऑफ उदयपुर, क्या नाम है उनका, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, है, अशोक हाँ, गहलोत, एवरीवेयर, जहां नजर घुमाओ ऐसा लगता है भगवान तो हर तरफ नहीं है, लेकिन गहलोत जी हर तरफ है, ओमनी प्रेजेंट, है ना, स्टेशन पे जाओ तो हर तरफ, एयरपोर्ट पे जाओ तो हर तरफ, बस स्टैंड पे जाओ तो हर तरफ, एवरी होल्डिंग इज ओनली वन पर्सन, बट व्हाट आर दे डूइंग फॉर पब्लिक। तो असली, इसलिए असली जो समाज सेवा है केवल एक भक्त करता है ना, सिलेंडर का दाम 200 रुपए कम कर दिया, तो इतना बड़ा होल्डिंग, प्रभुपाद ने लाखों करोड़ों लोगों को नरक जाने से बचा दिया, कोई होल्डिंग नहीं है, समझ रहे हैं ना, प्रभुपाद सेव मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम गोइंग टू हेलिश प्लैनेट्स, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस। आपके किस किस के घर में प्रभुपाद का पिक्चर है ऑल्टर के अंदर, हाथ खड़ा कीजिए, प्रभुपाद का पिक्चर है किसके के घर में है? अच्छा, जिनके घर पे नहीं है, मेरा बस एक निवेदन है कि होना चाहिए, आप प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, उनके लेक्चर सुनते हैं, इस ज्ञान से अपना जीवन क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, उसका उद्धार कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो कृतज्ञता दिखानी चाहिए ना ऐसे व्यक्ति के प्रति, कि नहीं, कम से कम सुबह उठ के पूरा ऑफर कर देना चाहिए, प्रभुपाद जय प्रभुपाद ऐसे बोल देना चाहिए, प्रभुपाद का प्रणाम है तो बोल देना चाहिए। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है, क्या पता है आपको, कृतज्ञ क्या मतलब है उसका, कृतज्ञ का मतलब क्या होता आभार मानना। है, हाँ, बार बार याद करना, आपने मेरे लिए क्या किया प्रभुपाद, आपने मेरे लिए क्या किया प्रभुपाद, आपने मेरे लिए क्या किया, बार बार स्मरण करना इस बात को, कृतज्ञ होता है, करना चाहिए नहीं जाना चाहिए, स्वाति माता शुड बी डू और नॉट, करना चाहिए ना, तो आप जिनके घर पे नहीं है, आपको लोग तो कहीं से मिल जाएगा, कौन टेम्पल से, प्रभुपाद का छोटा सा पिक्चर रखिए, यदि आप भगवान को भोग भी लगाते हैं तो डायरेक्ट नहीं लगा सकते, गुरु के माध्यम से लगता है,
भगवान सीधा एक्सेप्ट नहीं करते। ओके नेक्स्ट। इन दिस एज द पीपल इन जनरल एज वेल एज देयर सो कॉल्ड लीडर्स आर ऑल अनलकी फेलोज, पेथलेस इन स्पिरिचुअल नॉलेज एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द एज ऑफ कली, दे आर ऑलवेज डिस्टर्ब बाय वेरियस डिसीजेस. बोलो माता। हिमांगी माता बताइए, हिंदी में इसका अनुवाद कीजिए। ये कलयुग में जो हमारे जैसे आम जो लोग हैं वो और उनके जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, मतलब जो अभी प्रभु जी ने कहा जैसे जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो सब यहाँ कह रहे हैं कि अनलकी फेलोज है, बिकॉज दे उनको स्पिरिचुअल नॉलेज के ऊपर, जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है, एंड वो इन्फ्लुएंस है इस कलयुग की माया से इन्फ्लुएंस है, और उनको बिल्कुल विश्वास नहीं है हमारे जो स्पिरिचुअल, हमारा जो वैदिक ज्ञान है उस पर विश्वास नहीं है, एंड दे आर ऑलवेज डिस्टर्ब बाय वेरियस डिसीजेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो कुछ ना कुछ शारीरिक व्याधि से हमेशा परेशान रहते. आगे फॉर एग्जाम्पल, इन द प्रेजेंट एज देर आर सो मेनी टीबी पेशेंट्स एंड टीबी हॉस्पिटल्स, बट फॉर्मरली दिस वॉज नॉट सो बिकॉज द टाइम वॉज नॉट सो अनफेवरेबल. हाँ, वही बता रहे थे पहले ना, कितने हॉस्पिटल हो गए हैं। हम भी कहते हैं बहुत प्रगति कर रहे हैं। यस द अनफॉर्चुनेट मैन ऑफ दिस एज आर ऑलवेज रिलेक्टेंट टू गिव अ रिसेप्शन टू द ट्रांसेंडेंटलिस्ट हु आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ श्रील व्यासदेव एंड सेल्फलेस वर्कर्स आर ऑलवेज बिजी इन प्लानिंग समथिंग विच मे हेल्प एवरी वन इन ऑल स्टेटसेस एंड ऑर्डर ऑफ लाइफ. द ग्रेटेस्ट फिलोथ्रोपिस्ट आर दोज ट्रांसेंडेंटलिस्ट हु रिप्रेजेंट द मिशन ऑफ व्यास, नारद, माधव, चैतन्य, रूप, सरस्वती एक्सेट्रा. दे आर ऑल वन एंड द सेम. द पर्सनैलिटीज मे बी डिफरेंट, बट द एम ऑफ द मिशन इज वन एंड द सेम, नेमली टू डिलीवर द फॉलन सोल्स बैक होम, बैक टू गॉड हेड. यहाँ बता रहे हैं सबसे बड़ा समाज सेवी कौन है। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब समाज सेवी कौन है, जो किसी व्यक्ति को मदद करता है। किसे मदद करता है, इस बहुत जगह से निकलने के, जेल से निकलने के लिए जो किसी को मदद करता है, ताकि ये जन्म मृत्यु व्याधि जैसी बीमारियों से शाश्वत रूप से मुक्त हो जाए, है वो सबसे बड़ा फिलेंथ्रोपिस्ट। इसे हमको दान भी कहाँ देना चाहिए, ऐसे ऐसे कर्म देना चाहिए जिसका फल क्षणिक है या टेम्परेरी है। ऐसी जगह देना चाहिए जहां पर जिसका असर, जिसका प्रभाव शाश्वत मिलता है। कहाँ देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए? अनामी का मतलब जी, दे शुड बी गिव चैरिटी, अनम्यूट करके बोलो। यू आर म्यूटेड। आपका तिलक बहुत सुंदर लगाया। अच्छा ठीक, आपकी आवाज नहीं आ रही, यू आर म्यूटेड। हु विल टेल, कहाँ देना चाहिए दान हमको? वी शुड बी गिव चैरिटी, सड़क पे जाते लोगों को कहाँ देना चाहिए? प्रभु जी, हमें चैरिटी यहाँ ऐसे जगह देनी चाहिए जहां जीवों का उद्धार हो और जहां से उनको मार्ग मिले हमारी अगली गति के लिए, जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकल के हम हमारे रियल इंस्टीट्यूशन ऑफ हमारा जो है सोल, एज अ सोल हम पहचान पाए और उस मार्ग पे हम आगे चल पाए, उस जगह हमें दान देना चाहिए. सबसे जरूरत वहां पर है ना, ताकि लोगों को शाश्वत उसका प्रभाव हो। यदि हम कोई भौतिक कार्य भी करते हैं दान के रूप में, तो हमको देखना चाहिए उसको आध्यात्मिक कैसे बनाए। इसका अर्थ ये नहीं कि हॉस्पिटल नहीं खुलने चाहिए, ये नहीं कह रहे हम लोग। हॉस्पिटल में भी जो भी हम देते हैं उसको आध्यात्मिक रूप कैसे प्रदान कर सकते हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो ध्यान से सुनिए, हमारा एक इस्कॉन का हॉस्पिटल है बॉम्बे में, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल, वेरी फेमस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। वहां पर शरीर के इलाज के साथ साथ आत्मा का भी इलाज किया जाता है। वहां पर एक मूविंग ऑल्टर है जगन्नाथ जी,
हर पेशेंट के बेड पे जाते हैं भगवान को दर्शन देने के लिए, उनके यहां से भगवान को फूल ऑफर कराया जाता है, हैं? कोई आके उनको भगवद्गीता सुनाता है, बेड पे आके भगवद्गीता सुनाता है, सबकी सेवा लगी, पूरा डिपार्टमेंट है 8-10 लोगों का जो ये कार्य करते हैं, भक्तों यहाँ पेशेंट को भगवद्गीता सुनाते हैं, उनके लिए प्रसाद बनाते हैं, उनको आके जप करना सिखाते हैं। जब तक वो अपने शारीरिक व्याधि से छुटकारा पाता है वो आध्यात्मिक बन जाता है। जब हॉस्पिटल बाहर निकलता है तो यानी कि हॉस्पिटल में आना उसके लिए वरदान बन जाता है ना? कहीं बाहर होता तो शायद ऐसा उसको संग नहीं मिलता, तो हॉस्पिटल को भी मंदिर बना दिया है ना? तो आप शरीर का ध्यान कीजिए, शरीर की भी सेवा कीजिए, लेकिन उसको आध्यात्मिक रूप देने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ओके। तो इसके बाद जो सेक्शन है वो है ये व्यास देव, सॉरी यानी कि 19 से 23 जो है, टू सिंप्लीफाई एंड एक्सपैंड डिवाइडेड वेदा इन टू फोर। तो इसको मैं पढ़ नहीं रहा, ये आप स्वयं पढ़ सकते हैं भागवतम के अंदर, इसमें सार रूप में क्या बताया, क्योंकि कलयुग की स्थिति यहाँ पहले देखी बताया 14-18 में, कि ऐसी स्थिति है कलयुग के लोगों की, स्मरण शक्ति नहीं है और हमेशा चिंतित रहते हैं, खाने को ठीक कुछ पौष्टिक नहीं मिलता है, सब ऊट पटांग खाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई वेद का अध्ययन कैसे कर पाएगा? पहले एक वेद हुआ करता था, यजुर्वेद, है ना? तो क्या क्या उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया, एक उच्चार कर दिया। वेदों में क्या बताया गया व्यक्ति, वर्णाश्रम के अनुसार हमको किस तरह कार्य करने चाहिए, हमारे स्वभाव के अनुसार, यदि हम सत्वगुण में हैं, ब्राह्मण हैं, तो हमारे कार्य क्या होने चाहिए, यदि हम वैश्य हैं तो हमारे कार्य क्या होने चाहिए, तो उनको सिंप्ल डिविजन कर दिया उसका, है ना? और उसके बाद एक फिफ्थ वेदा भी लेके आया, फिफ्थ वेदा मतलब जितने भी इतिहास हैं, पुराण हैं, इनको फिफ्थ वेदा बोलते हैं, महाभारत, रामायण है, 18 पुराण, ये सब फिफ्थ वेदा में आते हैं। ये क्यों लिखे? कलयुग की स्थिति को देखते हुए कि कलयुग के लोग वेदों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे कुछ और देना चाहिए। तो उन्होंने वेदों का विभाजन किया और हर विभाजित वेद को अपने के शिष्य को बोला इसका प्रचार प्रसार करो। जैमिनी सभी उनके 4 शिष्य थे, भागवत में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे, इनको एक एक वेद दिया, तुम तो इसका प्रचार प्रसार। ठीक है, फिर उन्होंने 24-25 ये श्लोक हम आज करने का प्रयास करेंगे। फिर उन्होंने महाभारत लिखा, इतिहास लिखा, यानी कि कहानी के रूप में वैदिक शास्त्र को प्रस्तुत किया। इनके लिए खास तौर पे स्त्रियों, शूद्रों और द्विजबंधु कौन होते हैं, जैसे ब्राह्मण के घर पे कोई ब्राह्मण पैदा हुआ, कोई लड़का पैदा हुआ, लेकिन गुण ब्राह्मण वाले नहीं है, कर्म ब्राह्मण वाले नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया उसको, दुकान चलाता है ब्राह्मण, दुकान में बैठता है, सीधा चलाता है, टैक्सी चलाता है ना? तो ऐसे लोग क्या बोलते हैं, द्विज बंधु, खाली नाम का ब्राह्मण है ना, काम से ब्राह्मण नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए जो है उन्होंने महाभारत लिखा, क्योंकि हर व्यक्ति फिलोसफी को समझ नहीं सकता है, तप को समझना आसान नहीं है, बहुत विलक्षण बुद्धि चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, कहानी को प्रस्तुत किया, महाभारत कहानी बहुत सुंदर है, उसके अंदर छुपा के क्या डाल दिया, भगवद्गीता को डाल दिया, महाभारत के अंदर भीष्म पर्व में भगवद्गीता को डाल, सिद्धांतिक शास्त्र को भी डाल दिया, कहानी सुनते सुनते गीता भी सुन देंगे, है ना? कितने चतुर है हमारे, देखो ऋषि मुनि, है ना? जैसे कभी बच्चे को दवाई देनी होती है, कड़ी दवाई, क्या कहते हैं, दवाई को एक मीठी गोली के अंदर डाल के बच्चे को दिया जाता है। आप में कितने किया ऐसा, बच्चे को दवाई देने के लिए साथ में टॉफी दिया, चॉकलेट दिया, या उसके अंदर डाल के दिया कड़ी दवाई, किसने किया ऐसा है अपने बच्चों के साथ, किसने किया? हाँ, तो वैसे ही व्यास जी ने क्या किया, जो भगवद गीता है वो महाभारत चॉकलेट में डाल के दे दिया, कहानी सुनते सुनते गीता ही पढ़ लेंगे। जब महाभारत सीरियल आता था टीवी पे, आप कौन कौन लोगों ने देखा है महाभारत, सब लोगों देखा होगा, देखा कि नहीं, हर तरह की चीज सबको पसंद था, महाभारत, रामायण, ये ज्यादा अच्छे लगते हैं, गीता का लेक्चर आ रहा तो इतना मजा नहीं आता, यस और नो, है ना? मुझे याद है जब रामायण चलता था तो सारे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन खाली जाते, एकदम सन्नाटा होता था,
कोई नहीं होता, सब लोग घर पे टी आगे बैठे हैं। मैं समय हूं है ना, मैं समय हूं। और रामायण की क्या ट्यून आती थी किसी याद है? शुरू में क्या आता था, किसको धुन याद है? यस स्वाति माता जी बोलो, अभी हाथ खड़ा किया। ये स्मरण शक्ति फ्रूट हैंड्स फ्रूट स्मरण शक्ति कमजोर हो गई, बोलो बोलो। नहीं प्रभु जी, एक्चुअली उसका महाभारत का याद आ रहा था, कथा है हाँ हाँ पुरुषार्थ की, ये बोलो बोलो, गा के आरती सुनाओ, गा परमात्मा के सुनाओ, गा के सुनाओ। कथा है, ये स्वार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ की आरती करे जिसकी, वो कृष्ण ऐसी था प्रभु जी, याद नहीं अच्छा आती। अच्छा अच्छा वेरी गुड। और किसी याद है पूरा? और किसी याद है? किसी याद? कल क्या की याद नहीं रहता तो 10 साल पहले क्या कहाँ से याद है? ओके ठीक है, उसके बाद इसकी हम चर्चा करते हैं आज। 24 नंबर श्लोक। ताइव वेदा दुर्मेधे धारियन्ते पुरुषेर यथा एवं चकार भगवान व्यासा कृपणा वत्सला। थस द ग्रेट सेज व्यास देव हु इज वेरी काइंड टू द इग्नोरेंट मासेस एडिटेड द वेदा सो दैट दे माइट बी एसिमिलेटेड बाय लेस इंटेलेक्चुअल मेन। तो खाली दिए नहीं वेद, किन्होंने चिंतन किया स्थिति बहुत खराब है तो थोड़ा उसको सरल बना के प्रस्तुत किया। किसके लिए? ज्यादातर लोग जो हैं ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते कलयुग के अंदर, है ना, बुद्धि बहुत क्षीण होती है, बहुत कम होती है, अल्प बुद्धि होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो है उन्होंने क्या किया, तो एडिट किया, एडिटिंग किया वेदों का, सिंप्लीफाई किया, पुराण लिखे, इतिहास लिखा। इसके प्रॉपर में क्या बोलते हैं प्रभुपाद, मीरा माता विल रीड। The Veda is one, and the reasons for its division in many parts are explained herewith. The seed of all knowledge, or the Veda, is not a subject matter which can easily be understood by any ordinary man. तो Veda एक है, और उसके हमने बहुत सारे विभिन्न भाग कर दिए हैं, और वो हमने क्यों करे हैं वो यहाँ पे आगे हमें समझाया जाएगा। जो ज्ञान का बीज है वो एक ही है, जो वेदा है, और क्या कहते हैं, ये जो पूरा का पूरा मतलब ज्ञान है, ये कोई भी एक आम आदमी बहुत आसानी से नहीं समझ सकता है इसको, समझने के लिए मतलब आसानी से नहीं समझा जा सकता। यस नेक्स्ट। देर इज अ स्ट्रिक्चर दैट नो वन शुड ट्राई टू लर्न द वेदास हु इज नॉट अ क्वालिफाइड ब्राह्मणा। This stricture has been wrongly interpreted in so many ways. A class of men who claim Brahminical qualification simply by their birthright in the family of Brahmana claim that the study of Vedas is a monopoly of Brahmana caste only. एक समाज में धारणा है कि किसी को भी वेदास, अगर कोई ब्राह्मण, एक समाज में ये धारणा है कि अगर कोई क्वालिफाइड ब्राह्मण नहीं है तो उसे वेदास का अध्ययन नहीं करना चाहिए, पर ये गलत धारणा बनी हुई है। ये धारणा ब्राह्मणों ने ही बनाई हुई है, जो ये कहते हैं कि वेदों का अध्ययन करना सिर्फ सिर्फ कि वेदों का अध्ययन सिर्फ ब्राह्मण कर सकते हैं, पर ये गलत है। वेदों का अध्ययन, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अनदर सेक्शन ऑफ द पीपल टेक दिस एज एन इनजस्टिस टू द मेंबर्स ऑफ अदर कास्ट हु डू नॉट हैपन टू टेक बर्थ इन अ ब्राह्मणा फैमिली, बट बोथ ऑफ देम आर मिसगाइडेड। जो दूसरी कास्ट के लोग हैं वो इसे एक अन्याय समझते हैं, जो मतलब ब्राह्मण फैमिली में पैदा नहीं हुए हैं, वो इसे अपनी तरफ एक अन्याय समझते हैं कि वो वेदास नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन दोनों के दोनों भटके हुए हैं एक सही रास्ते से। द वेदास आर सब्जेक्ट्स विच हैड टू बी एक्सप्लेन इवन टू ब्रह्मा जी बाय द सुप्रीम लॉर्ड। देयरफोर द सब्जेक्ट मैटर इज अंडरस्टूड बाय पर्संस विद एक्सेप्शनल क्वालिटीज ऑफ गुडनेस। वेरी गुड, जस्ट हियर। सो हाँ शास्त्र, ये धारणा गलत है कि केवल ब्राह्मणों के लिए, ठीक है, कोई भी समझ सकता है, लेकिन कौन समझ सकता है?
जो सत्वगुण में स्थित है। आध्यात्मिक ज्ञान को तमोगुण में या रजोगुण में नहीं समझा जा सकता। आध्यात्मिक ज्ञान को हम तमोगुणी या रजोगुणी अवस्था में नहीं समझ सकते। इसलिए हम जब हम शुरू में कोई क्लास शुरू करते हैं, गीता की, भागवतम की, थोड़ा कीर्तन करते हैं, है ना, थोड़ा फिर मंगलाचरण करते हैं, क्यों करते हैं? एक कारण उसका क्या है, जैसे आप लोग अभी क्लास में आए, है ना, अभी जैसे कोई अपने हॉस्पिटल से आ रहा है, कोई अपनी दुकान से आ रहा है, कोई अपने कॉलेज से आ रहा है, कोई झगड़ा करके आ रहा है पत्नी से, है? तो हर व्यक्ति किस अवस्था में वस्तु तोरा क्लास के अंदर है, या तो रजोगुण की अवस्था में कोई झगड़ा करके आ रहा है, तो तमोगुण की अवस्था में। यदि ऐसी अवस्था में उनको मैं पढ़ने लग जाऊं शुरू से, पहला श्लोक ओम नमो, सॉरी श्लोक पढ़ना शुरू कर दूं, है, आज लोगों को समझ नहीं आएगा। तो हम पहले क्यों भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, मंगल करते हैं, ताकि पहले व्यक्ति को तमोगुण रजोगुण से उठाकर सत्वगुण में लेके आए, फिर हम इसका अध्ययन शुरू करें, है ना। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं अरे एक कीर्तन हो जाएगा ना, मंचन हो जाएगा ना, फिर ज्वाइन करेंगे क्लास, है ना, 6:30 क्लास है, पूर्ण साथ ज्वाइन करेंगे, 15 मिनट बिता लेंगे, कीर्तन कीर्तन भजन सब हो जाएगा, फिर हम श्लोक सुनेंगे। ये धारणा बड़ी गलत है। क्लास में 2 मिनट पहले आना चाहिए। जैसे हम क्लास शुरू किए तो उस समय कुछ 11-12 लोग थे, हैं, मंचन खत्म करते करते 23-24 हो गए, 25 हो गए, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं 6:30 के बाद, कीर्तन खत्म होने के बाद ज्वाइन किए। तो ये समझना होगा कि फिर हमारी शक्ति भी जो है समझने की कम होगी, यदि हम कीर्तन मंगलाचरण वगैरह भाग नहीं लेते हैं, सत्वगुण की मात्रा नहीं बढ़ाते हैं। तो ये धारणा भी गलत है कि कोई भी समझ लेगा, ये धारणा भी गलत है कि केवल ब्राह्मणों के लिए। जो सत्वगुण में स्थित है वो इस शास्त्र को पढ़ सकता है और समझ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। Since you are in the mode of passion and ignorance, are unable to understand the subject matters of Vedas, the ultimate goal of Vedic knowledge is Shri Krishna, the personality of Godhead. This personality is very rarely understood by those who are in the modes of passion and ignorance. बोलो। जो लोग रजोगुण और तमोगुण में होते हैं वो वेदों का ज्ञान नहीं समझ सकते हैं. वेदों को पढ़ने का जो मतलब मेन मोटिव या मेन मकसद होता है वो होता है भगवान श्री कृष्ण को जानना. और भगवान को जो लोग रजोगुण या तमोगुण में है वो कभी नहीं समझ सकते हैं. तो नेक्स्ट जो पॉइंट. जितना अच्छा जप करता है, आप लिंग समझने का प्रयास कीजिए, जो जितनी अच्छी तरह से भक्ति क्रियाओं करता है वो उतना जल्दी सत्वगुण में स्थित होता है और उसकी योग्यता बढ़ जाती है शास्त्रों को समझने के लिए, माम चयो विचारे न भक्ति योगे न सेवते। हमारा भक्ति क्रियाओं करने से, भगवान के प्रति समर्पण का भाव रखने से, सेवा करने से क्या होता है, 3 गुणों के प्रभाव से बाहर हो जाते हैं, सतगुण तो उसको भी क्रॉस कर जाते हैं, है ना। तो वो क्रॉस नहीं भी के कम सतगुण तो आ ही जाते हैं, है ना। तो जैसे सतगुण में आते हैं हमको शास्त्र अच्छे समझना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमारा जीवन शैली जितनी सात्विक होगी उतना हम शास्त्र को अच्छे से समझ पाएंगे। जितना हम बाहर खाएंगे, चटपटा खाएंगे, खट्टा मीठा खाएंगे, चाय कॉफी पियेंगे, है ना, बाहर जाके क्या मैकडीज मैकडीज में बर्गर खाएंगे, तो उतना हमारी क्षमता शास्त्रों को समझने की, जो अपने आप में बहुत गुह्य में रहस्य में है, कम हो जाएगी। तो इसलिए हमको हमारा लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। अभी आप मुझे एक एक पॉइंट बताइए, सात्विक लाइफ स्टाइल मतलब क्या है, प्रैक्टिकली सात्विक लाइफ स्टाइल का अर्थ क्या होता है, एक एक पॉइंट बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, 4 नियमों का पालन करना. वो तो बहुत बड़ा बता दिया, छोटी छोटी बातें बताइए, स्मॉल स्मॉल।
एवरीबॉडी कैन भोग डू इट, भोग लगा के खाना खाना, भोग लगा के प्रसाद लेना। भोग लगा के ग्रहण करना चाहिए। ओके वेरी गुड। और कृष्ण को महाप्रभु सुप्रीम पावर समझना, हैं, कृष्ण कृष्ण को को मतलब मतलब सुपर सुपर पावर समझना। वो ग्लोबल बता रहे हैं, लोकल लोकल, जैसे सुबह जल्दी उठना है ना, सुबह जल्दी उठने से सत्वगुण बढ़ता है ना चाहिए ना। जैसे बताया बिना भोग लगाए या बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, सत्वगुण बढ़ता है हर वक्त ना। भगवान का, भगवान के को याद करना, मतलब उनके स्मरण में रहना, उनके बारे, उनकी लीलाओं को, उनकी कथाओं को याद कृष्ण करते रहना। कृष्ण को स्मरण करना है, हरी भरी सब्जियां खाना है ना, ज्यादा तीखा ज्यादा खट्टा मीठा नहीं खाना है ना, सत्गुण बढ़ता है। छोटी चीजें हैं, सुबह सुबह मंदिर भगवान जी के दर्शन करना, भगवान के दर्शन करना, सत्गुण बढ़ता है। और बताइए। हाँ, अभक्तों से दूर रहना, अभक्तों से आसुसन से दूर रहना है, फालतू की बकबक नहीं करना, गॉसिप नहीं करना है, प्रजल्पा नहीं करना है। प्रजल्पा कब बंद होगा पता है आपको? जब श्रवण करेंगे, जो श्रवण करता है वो अपने आप कीर्तन होता है उसके मुख से। जब कीर्तन होता है तो प्रजल्पा नहीं होता, दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते, प्रजल्पा और कीर्तन एक साथ नहीं हो सकते, तो प्रजल्पा बंद हो जाता है अपने आप है। आप देखिए पहले हम कितने फोन करते थे लोगों को, ऐसे घंटों घंटों बातें करते थे फोन के ऊपर है ना, इसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, उसकी चेन कितनी अच्छी है, उसकी साड़ी कितनी अच्छी पहन के आई थी वो है ना। अभी वो बातें समाप्त खत्म, वो मूवी का सॉन्ग कितना अच्छा है ना, कितनी बढ़िया हीरोइन है, नहीं आई है, पहली मूवी थी उसकी, यही बातें होती हैं। प्रजल्पा आई है, इसको बोलते हैं प्रजल्पा, क्या बोलते हैं? प्रभु जी प्रजल्प, हाँ प्रभु जी प्रजल्पा आजकल हम तो लोगों को बहुत बोर लगने लगे, वो हमसे बात करना नहीं चाहते क्योंकि है? हमारे पास कोई बात होती नहीं है उनके साथ करने के लिए। कोई बात लोगों को हम बहुत बोर लगने लग गए क्योंकि वो हमसे नहीं, कोई बात करना नहीं चाहते। वो देखते हैं कि ये चुपचाप खड़े रहते हैं, ये तो कुछ बोलते तो है नहीं, तो हमसे दूर रहने लग गए। तो इसलिए वेट टू बिकम वेरी स्मार्ट। प्रचार करना भी एक आर्ट है ना। तो कल मैं एक लेक्चर, कुछ दिन पहले लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें बता रहे थे कि मान लो आप किसी को प्रचार करना है, यू वॉन्ट टू टेक समबडी समवेयर, फर्स्ट यू हैव टू मीट हिम वेयर ही इज, फर्स्ट यू हैव टू मीट हिम वेयर ही इज, देन यू टेक इट। तो कभी कभी हमको उनके स्तर पे जाना पड़ता है पहले, लेकिन वो प्रयास तब करना चाहिए जब हमारी साधना बहुत स्ट्रांग हो है ना। जैसे प्रभुपाद जो है, किसी कोई नया व्यक्ति आया था, वो किसकी बात कर रहा था, ध्यान नहीं आ रहा, रेसिंग कार्स ऐसी बात कर रहा था। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा चर्चा की उसी उसी विषय के ऊपर, जो विषय वो करना चाहता था प्रभुपाद ने बहुत अच्छा चर्चा की, और बाद में धीरे धीरे उसको शिष्य भावना से लिंक कर दिया है ना। पर वो हम हर व्यक्ति के अंदर ऐसी कला नहीं है ना, तो इसलिए ये हमारे में है तो प्रयास करना चाहिए, नहीं है तो नहीं करना चाहिए। पर कहने का तात्पर्य ये था कि फिजूल के कार्य अपने आप बंद हो जाते हैं जैसे जैसे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ते हैं। अननेसेसरी प्रजल्पा, अननेसेसरी ईटिंग, अननेसेसरी स्लीपिंग, अननेसेसरी टॉकिंग स्टॉप्स इमीडिएटली। किसके का अनुभव ऐसा? जिम्ना होते अपना अनुभव बताया, और किसका अनुभव ऐसा? हाथ खड़ा कीजिए जो जिसको अनुभव हो रहा है ऐसा। हो रहा है ना, यस, कुछ को नहीं हो रहा है, जब पटी से नहीं कर रही। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ो। इन द साथी योगा एवरी वन वॉज सिचुएटेड इन द मोड ऑफ गुडनेस। ग्रेजुअली द मोड ऑफ लिटिल लाउडर गुडनेस माता जी। इन द साथी योगा एवरी वन वॉज सिचुएटेड इन द मोड ऑफ गुडनेस। ग्रेजुअली द मोड ऑफ गुडनेस डिक्लाइन ड्यूरिंग द त्रेता एंड द्वापर युगास एंड द जनरल मास ऑफ पीपल बिकम करप्ट। इन द प्रेजेंट एज द मोड ऑफ गुडनेस इज ऑलमोस्ट निल।
एंड सो फॉर द जनरल मास ऑफ पीपल द काइंड हार्टेड पावरफुल सेज श्रीला व्यास देव डिवाइडेड द वेदास इन वेरियस वेज सो दैट दे मे बी प्रैक्टिकली फॉलोड बाय लेस इंटेलिजेंट पर्सन्स इन द मोड्स ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस. इट इज तो अभी एक्सप्लेन जैसे इन नेक्स्ट श्लोक का जैसे बताया कि ये तो जो सत्वगुण में स्थित है वही वेदों का अध्ययन कर सकते हैं, तो बाकी कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे? नहीं है, उनके लिए फिर इतिहास लिखे, उनके लिए पुराण लिखे, ताकि पीपल ऑफ लेस इंटेलिजेंट क्लास आल्सो कैन गेट द बेनिफिट फ्रॉम वेद, उनको भी लाभ मिले इन शास्त्रों से. तो अगले श्लोक में समझाया गया. ठीक है, तो अभी ये श्लोक सुन के सारी स्त्रियां मेरे ऊपर धावा बोलेंगी. ठीक है, तो पहले श्लोक पूरा सुनिएगा, उसके ऊपर यदि फिर भी आप धावा बोलना चाहें तो बोल सकते हैं. ठीक है, मैं पढ़ता हूं इसको. स्त्री शुद्र द्विजा बंधुना त्रयीन श्रुति गोचरा कर्म शेष मूढ़ाना श्रेय एवं भवेदिहा इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना कृतम. आउट ऑफ कंपैशन द ग्रेट सेज थॉट इट इज वाइज टू सॉरी इट इज वाइज दैट दिस वुड इनेबल मेन टू अचीव द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ. थस ही कंपाइल्ड द ग्रेट हिस्टोरिकल नरेशन कॉल्ड महाभारत फॉर विमेन लेबरर्स एंड फ्रेंड्स ऑफ सबने अपनी गन निकाल ली है. शूट मदन गोविंद दास इमीडिएटली. है ना, देखो स्वाति माता ने तो निकाल ली और तान भी दी मेरे ऊपर. हाथ खड़ा कर दिया. यस माता जी बोलो. अभी तो मैंने हाँ बोलो बोलो. हाँ हरे कृष्णा बाबू जी, ये एक्चुअली बड़ा कंट्रोवर्शियल है जो चर्चा करेंगे, आप थोड़ा धैर्य रखो. हाँ, बोला था धैर्य जो रामायण में भी बोला है कि वो व्यास देव ना एकदम है ना, तो ये कैसे लिखा है आपको लगता है व्यास देव गलत लिखा है सही लिखा है? सर अभी तो इतनी अकल नहीं है तो गलत ही समझ में आ रहा है. तो हमारा भाव क्या होना चाहिए शास्त्रों की हर जो जो स्टेटमेंट है इट इज एक्सियोमेटिक ट्रुथ, यानी कि ऐसी सच्चाई है जिसको साबित करने के लिए कोई और सबूत नहीं चाहिए. तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए? ये तो सही होगा लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मुझे समझाइए क्या बोलना चाहिए. जी प्रभु जी समझ में नहीं आ रहा. हाँ वो गलत नहीं हो सकता है, दैट यू रेस्ट अश्योर्ड, जो लिखा है शास्त्रों में वो गलत नहीं हो सकता है. हमको समझने का प्रयास, वी शुड गेट द राइट पर्सपेक्टिव. ठीक है, तो हम मैं प्रयास करूंगा समझाने का, ये समझा पाए तो उड़ा देना. ठीक है, ओके सोना माते को बोलते हैं. हरे कृष्ण प्रभु जी. द फ्रेंड्स ऑफ द ट्वाइस बॉर्न फैमिलीज आर ऑल्सो आर दोज हु आर बॉर्न इन द फैमिलीज ऑफ ब्राह्मणास क्षत्रियास एंड वैश्यास और द स्पिरिचुअली कल्चर्ड फैमिलीज बट हु देमसेल्व्स आर नॉट इक्वल टू देयर फोर फादर्स. सच डिसेंडेंट्स आर नॉट रिकग्नाइज्ड एज सच फॉर वॉन्ट ऑफ प्यूरिफैक्टरी अचीवमेंट्स. तो ये कौन है? ये इनको बोलते हैं द्विज बंधु, यानी कि पैदा तो हो गए ब्राह्मण घर पे लेकिन गुण नहीं है ब्राह्मण वाले. आगे द प्यूरिफैक्टरी एक्टिविटीज बिगिन इवन बिफोर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड एंड द सीड गिविंग रिफॉर्मेटरी प्रोसेस इज कॉल्ड गर्भ बंधना संस्कारा. वन हु हैज नॉट अंडरगॉन गर्भधान संस्कार, सुना होगा आपने गर्भाधान संस्कार. सो वन हु हैज नॉट अंडरगॉन सच गर्भाधाना संस्कारा और स्पिरिचुअल फैमिली प्लानिंग इज नॉट एक्सेप्टेड एज बीइंग ऑफ एन एक्चुअल ट्वाइस बॉर्न फैमिली. हाँ, तो ये हमारे कुछ संस्कार हमारे शास्त्र में दिए गए हैं, ये आर कॉल्ड प्यूरिफिकेटरी प्रोसेसेस, शुद्धिकरण के लिए होते हैं. जैसे गर्भधान संस्कार है,
सब स्त्रियों को तो कम से कम पता होना चाहिए क्या है गर्भधारण संस्कार। यानी प्रभुपाद लिखते हैं स्पिरिचुअल फैमिली प्लानिंग, बड़े नाइस वर्ड यूज है ना। यहाँ हम बोलते हैं बहुत जगह में फैमिली प्लानिंग तो मत कर, क्या होता है, व्हाट इज फैमिली प्लानिंग अकॉर्डिंग टू मटेरियल अंडरस्टैंडिंग। एनीवन एक ही काफी और से माफी। हाउ डज वन अचीव फैमिली प्लानिंग स्वाति माता। प्रभु जी, फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि अपने जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उस हिसाब से बच्चे करें. मतलब जैसे हम बहुत रिच हैं तो वी कैन अफोर्ड मोर किड्स, और अगर हम गरीब हैं तो हम शायद कम बच्चे करें. और आप मान लो अंबानी ब्रदर्स कितने करने चाहिए, धीरू भाई अंबानी के बच्चे हैं तो कितने बच्चे करने चाहिए आपके हिसाब से, 100 200 करने चाहिए हैं। दिस इज नॉट फैमिली प्लानिंग। या फैमिली कैसे करते हैं आजकल, दे यूज व्हाट कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रेगनेंसी। बट स्पिरिचुअल फैमिली प्लानिंग क्या होती है, स्पिरिचुअल फैमिली प्लानिंग इज टू प्रिपेयर तैयारी करना। क्या तैयारी करना, एक शुद्ध आत्मा को आह्वान करके गर्भ में बुलाया जाए। यू एक्चुअली इनवाइट अ प्योर सोल इन टू द वूम, दिस इज कॉल्ड गर्भधारण संस्कार। समझ रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल प्लानिंग। कि एक मेरे घर में जो बच्चा पैदा होगा वो पिछले जन्म में भक्ति किया हो ताकि बचपन से ही भक्त बन जाए, भगवान के प्रति उसका समर्पण हो, भगवान के प्रति उसका आसक्ति हो, ऐसा बच्चा चाहिए हमारे को। उसके लिए हम जो से करेंगे, वो जो तैयारी है आध्यात्मिक रूप से, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल फैमिली प्लानिंग। जैसे इस्कॉन में जो बहुत सीरियस कपल्स हैं, वो लोग जब उनको प्लानिंग करना होता है बच्चा, एवरी डे दे चैंट 50-50 राउंड्स, दे विल चैंट एवरी डे 50 राउंड्स, प्रिपेयर देयर कॉन्शियसनेस, प्यूरिफाई देयर कॉन्शियसनेस व्हाइल दे अंडरगो यूनियन एंड मेनी अदर थिंग। दे रीड रामायण, दे रीड महाभारत, दे रीड वैदिक लिटरेचर, प्रिपेयर द कॉन्शियसनेस सो दैट अ प्योर सोल इज इनवाइटेड इन टू द वूम ऑफ द मदर। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल फैमिली प्लान। यानी तपस्या करते हैं, और हमारे ज्यादातर बच्चे कैसे पैदा होते हैं, दे आर ए रिजल्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना। इंद्र तृप्ति का क्या बोलते हैं, रिजल्ट है, बच्चा हो जाता है। है ना, हनीमून मनाने जाते हैं गोवा सिंगापुर, है ना, 5 स्टार होटल में रूम बुक करते हैं एंड दे हैव सेक्स एंड सडनली दे द चाइल्ड। व्हाट डू यू थिंक द नेचर ऑफ सच ए चाइल्ड। Then we have tiny, tiny Hiranyakashipu who's being born. Tiny, tiny demons being born. ये बड़ा सीरियस सब्जेक्ट मैटर है जिसपे चर्चा नहीं होती बिल्कुल। तभी आप लोग सुन रहे हैं है ना, आप लोग कम से कम ध्यान रखना, जब आपका समय आए तो टेक दिस मैटर वेरी वेरी सीरियसली एंड प्रिपेयर फॉर इट। यस फाति माता जी, यू रेज योर हैंड। ओके नेक्स्ट। हु वाज रीडिंग, मेरे माता जी आप पढ़ रहे थे ना।
गए। हाँ बोलो। सोमवार मात्र सूर्य आप सोना अच्छा माते पढ़ रहे थे? सॉरी, कहाँ के सोना माते? हरे कृष्ण प्रभु जी माय फोन गॉट डिस्पैच्ड सॉरी प्रभु अच्छा जी बोलो, नहीं कोई बात, पढ़ो। वन बर्थ इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग द सीट गिविंग संस्कारा एंड द सेकेंड बर्थ इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ स्पिरिचुअल इनिशिएशन वन हु हाँ हैज बीन एबल टू अंडरगो सच इंपॉर्टेंट संस्कारा कैन बी कॉल्ड अ बोनाफाइड ट्वाइस बॉर्न हाँ तो ट्वाइस बॉर्न मतलब क्या होता है? दो बार जन्म होता है। एक जन्म होता है माँ बाप से, वीर्य से, है ना। दूसरा जन्म, असली जन्म का वो होता है जब हमको गुरु से दीक्षा मिलती है। When one is initiated from a bona fide spiritual master, that is a real birth. इसलिए हर किसी को गुरु की शरण लेने का लक्ष्य होना चाहिए। ये कोई वो चॉइस नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर स्पिरिचुअल प्लानिंग टू गेट इनिशिएटेड फ्रॉम बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, एंड दैट इज अ रियल बर्थ। जब हम एक प्रमाणिक परंपरा से जुड़ते हैं, कृष्ण से जुड़ते हैं, गुरु हमको कृष्ण से फॉर्मली जोड़ देते हैं दीक्षा देके। हाँ नेक्स्ट। इफ द फादर एंड द मदर डू नॉट अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल फैमिली प्लानिंग एंड सिंपली बिगेट चिल्ड्रेन आउट ऑफ पैशन ओनली देयर चिल्ड्रेन आर बंधुस दीज ट्विच बंधुस आर सर्टेनली नॉट एज इंटेलिजेंट एज द चिल्ड्रेन ऑफ द रेगुलर ट्वाइस बॉर्न फैमिलीज ठीक है, तो जो द बच्चे पैदा ट्विच होते हैं, बंधुस जो बच्चे इंद्र तृप्ति का रिजल्ट हैं, और जो बच्चे ऐसी प्लानिंग से आए हैं जिसमें गर्भ का संस्कार हुआ है, उसका दीक्षा हुआ है गुरु के माध्यम से, तो आप खुद बता सकते हैं कि दोनों में से कौन किसकी बुद्धि विलक्षण होगी, कौन बुद्धिमान बनेगा, कौन सी आत्मा ऐसी होगी जो अपने साथ में जो है भक्ति संस्कार को लेके आएगी। द्विजा बंधु का क्लासिफाइड विद द शूद्रास। तो द्विजा बंधु, द्विजा बंधु मतलब नाम के लिए पैदा हो गया ब्राह्मण के घर पे या क्षत्रिय के घर पे, लेकिन गुण नहीं है, उनको बोलते हैं द्विजा बंधु। और वो क्या है? वो शूद्र जैसे हैं। द्विजा बंधु का क्लासिफाइड विद द शूद्रास एंड द वुमेन क्लास हु आर बाय नेचर लेस इंटेलिजेंट। शूद्रास एंड वुमेन क्लास डू नॉट हैव टू अंडरगो एनी संस्कार सेव एंड एक्सेप्ट द सेरेमनी ऑफ मैरिज। ये जो संस्कार होते हैं ये जो है प्राय लड़कों के लिए होते हैं, स्त्रियों के लिए नहीं। आगे मैं पढ़ता हूं। द लेस इंटेलिजेंट क्लासेस ऑफ मेन, नेमली विमेन, शुद्रास एंड अनक्वालिफाइड अच्छा सन्स ऑफ द हायर कास्ट आर डिवॉइड ऑफ नेसेसरी क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ मास्टर। तो जैसे शुरू में बताया था कि है ना, सत्वगुण होना चाहिए, हैं तो वो इनके पास योग्यता में थोड़ी कमी है जो यहाँ पर इनका जिक्र किया जा रहा है, इसलिए उनके लिए शास्त्रों के तत्व को समझना रिलेटिवली डिफिकल्ट। वुमेन इन जनरल डोंट लाइक शूद्र, इन जनरल डोंट लाइक फिलोसफी टू मच, दे लाइक स्टोरीज, डोंट लाइक फिलोसफी। फॉर देम द महाभारत, तो ऐसे लोगों के लिए व्यास जी का लिखा महाभारत को लिखा। द पर्पज ऑफ द महाभारत इज टू एडमिनिस्टर द पर्पज ऑफ वेदास एंड देयर फॉर विदिन इट महाभारत का द समरी वेद ऑफ भगवद गीता इज, इसकी हम चर्चा कर रहे थे। जो है ना मेन उद्देश्य क्या है महाभारत का, कि वेदों का उद्देश्य इंस्टिल करना सबके अंदर है कहानी के रूप में, और कहानी के साथ साथ भगवद गीता भी साथ में सुना देना, समरी वेद ऑफ भगवद गीता बोला गया सारे शास्त्रों का सार, समरी वेद। तो लेस इंटेलिजेंट आर मोर इंटरेस्टेड इन स्टोरीज देन इन फिलोसफी, एंड देयर फॉर द फिलोसफी ऑफ द वेदास इन द फॉर्म भगवद गीता इज स्पोकन बाय लॉर्ड श्री कृष्ण। व्यास देव एंड लॉर्ड कृष्ण आर बोथ ऑन द ट्रांसेंडेंट प्लेन, एंड देयर फॉर दे कोलैबोरेटेड इन डूइंग गुड टू द फॉलन सोल्स ऑफ दिस एज। द भगवद गीता इज द एसेंस ऑफ वैदिक नॉलेज, इज द फर्स्ट बुक ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यू
एज द उपनिषद आर द वेदांत फिलोसफी सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी बाय स्पिरिचुअल ग्रेजुएट ओनली द पोर ग्रेजुएट स्पिरिचुअल स्टूडेंट कैन एंटर इन टू द स्पिरिचुअल और डिवोशन सर्व लॉर्ड इट इज ग्रेट साइंस एंड ग्रेट प्रोफेसर इज द लॉर्ड हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ चैतन्य महाप्रभु एंड पर्सन हु आर एम्पावर्ड बाय हिम कैन इनिशिएट अदर्स इन द ट्रांसेंडेंटल लर्निंग सर्विस हरे कृष्ण. तो अभी मुद्दा आता है व्हाई डू वी कॉल वुमेन एज लेस इंटेलिजेंट. ठीक है नाउ व्हाट इज इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू यू आप बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस का अर्थ क्या है बुद्धि मता क्या है आपके अनुसार. हमारे साथ क्या होता है जो पीएचडी कर ले एमबीए कर ले आईआईटी में एडमिशन ले ले आईआईएम एडमिशन ले ले है ना वो बुद्धिमान है बहुत ही सब यही बोलते हैं ना ये सुनो ये बोलते हैं ये ज्यादा बुद्धिमान है इसका आईआईटी में एडमिशन हो गया ये एकदम बुद्धू लोकल कॉलेज में पढ़ रहा है ये सुनो मत. प्रभु जी हरे कृष्णा. वन हु कैन अप्लाई द नॉलेज ओके. अभी देखो जैसे बहुत ही सारे हम देखते हैं कि देयर मेनी वुमेन हु हैव रीच द पिनाकल ऑफ सक्सेस है ना. जैसे इस प्लेटफॉर्म पर भी कुछ पुरुष हैं जो डॉक्टर्स हैं स्त्री भी डॉक्टर हैं तो कैसे कह सकते हैं कि कम इंटेलिजेंट है. आपके ये आर्गुमेंट रहेगा ना तो ये कैसे कह सकते हो यहाँ डॉक्टर कुमार जी बैठे हैं और मैं भी बैठी हूँ मैं वाले डॉक्टर हाउ कैन यू से आई एम लेस इंटेलिजेंट. ये प्रश्न आता है मन में भगवती माता जी कैसे कह सकते हैं आप. इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री फिर भी कैसे कह सकते हैं आप. The real meaning of intelligence is differentiate between matter and spirit. This is intelligence. पदार्थ और आत्मा matter and spirit दोनों में भेद कर पाए वो बुद्धिमान. और भगवान ने स्थिति को ऐसा बनाया कि स्त्रियों का जो सबसे बड़ा गर्व होता है वो उनको अपने शरीर पे होता है. यस और नो सही बात गलत बात है. जब मैं हिंदुस्तान में काम करता था तो हमारा कॉस्मेटिक्स का बिजनेस हुआ करता था हाई फ्लाइंग बिजनेस ऑफ कॉस्मेटिक्स. उसमें 90% बिजनेस वॉज cosmetics for women and 10% was for male grooming बोलते थे male grooming category fair and handsome. कितना fair and handsome लोग खरीदते हैं कितना fair and lovely खरीदते हैं. Now this differentiation or less intelligent is on a material platform not on spiritual platform. आध्यात्मिक स्तर पे आत्मा के स्तर पे male female नहीं होता है दोनों का स्तर एक ही है बुद्धिमता के हिसाब से. यदि हम चर्चा कर रहे हैं कम है या ज्यादा है वो भौतिक स्तर पर है आध्यात्मिक स्तर पर शारीरिक स्तर पर है आध्यात्मिक स्तर पर नहीं. आत्मा के स्तर पे दोनों समान शरीर के स्तर पे भगवान ने विमेन को उनका शरीर ऐसा बनाया है ना. नाउ दूसरा कारण क्या है Women are more emotional than rational. Yes or no? Yes or no? Do you agree or no? They are relatively more emotional than men, than rational. Or philosophy kya rational hai, tatva hai. But this emotion
बिकम्स देयर स्ट्रेंथ व्हेन दे बिकम डिवोटीज. समझ रहे हैं? दिस वीकनेस ऑन ए मटेरियल प्लेटफॉर्म बिकम देयर अटमोस्ट स्ट्रेंथ ऑन ए स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म. मैन आर नॉट वेरी इमोशनल. Women will cry in front of Krishna very easily. Not a man. Yes or no? भाव ज्यादा होते हैं स्त्री compared to men. So it is not differentiation of the intelligence. It is a differentiation of the bodies. Two different bodies. स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर. और स्त्रियों को भगवान ने इमोशनल क्यों बनाया? Because they have to play the role as a mother also. So they have two roles. Earlier, all our Vedic scriptures, they glorify women in their maternity role, not as an object of exploitation. अभी हमारा भौतिक जगत में किसको glorify करते हैं? बताइए. ज्यादातर एडवर्टीजमेंट में स्त्रियां होती हैं या पुरुष होते हैं? बताइए. सो इन मटेरियल वर्ल्ड आज के युग में स्त्रियों को ग्लोरीफाई किया जाता है एज व्हाट? एज ए मैटर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. कार की एडवर्टीजमेंट है, साथ में स्त्री है. कोई भी एडवर्टीजमेंट साथ में स्त्री है. क्यों? द एक्सप्लॉयट. दिस नॉट ग्लोरिफिकेशन, दिस इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन एज ए क्लास. So the difference in terms of intelligence is largely दोनों की बुद्धि में अंतर इसलिए बताया जाता है, एक शारीरिक स्तर पर कि कौन शरीर के प्रति ज्यादा आसक्त है और कौन शारीरिक स्तर पर भौतिक स्तर पर ज्यादा भावुक है. इसलिए पति पति में झगड़े ज्यादा होते हैं. ये बहुत बड़ा अंतर है. Men are from the Mars and women from Venus. सुना पढ़िए बुक आपने. स्वाभाविक रूप से जो है दोनों का नेचर अलग है. एक रैशनल है, एक इमोशनल है. एक मैथमेटिक्स लगाता है 2+2=4 है ना. इसलिए एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाते. एंड बोथ आर राइट इन देयर ओन पर्सपेक्टिव. But they can't understand each other. They come from different platform, different perspective. Do you agree? Not enough. नहीं शादी नहीं, वो हाँ बोल रही है. नहीं शादी हो, कुछ नहीं बोल रही. Okay, but they are seeing the experience of seeing the parents. Okay, so this is a material difference of intelligence, not on a spiritual path. Adhyatmi star pe koi answer nahi hai. Dono atma barabar. Adhyatmi star pe koi purush nahi, koi stri nahi. Jo kamjori bhautik star pe hai striyon ki, wo adhyatmi star pe unki sabse badi strength. Emotional. Being emotional. ठीक है. तो अभी आप शूट करेंगे कि नहीं? हाँ जी मंजू माता जी, आप कहाँ हैं? गन कहाँ है आपकी? पीला शक्ति माता जी. Do you agree? Yes, Prabhuji, I agree. So, I will ask him, Jado, आप भी जा समझेंगे तो बजाय मेरे. नहीं प्रभुजी, जैसे आपने बताया मैं ध्यान देती, जैसे आपने बताया वो सही मैं बिल्कुल करती हूँ कि नेचर वाइज ही अलग होता है. और जैसे आपने बताया कि भौतिक स्तर पर है ये, आध्यात्मिक स्तर पे तो जैसे प्रभुपाद का बताते हैं कि प्रभुपाद एक जो पास्ट टाइम आता है यमुना माता जी का, कि वो बार बार वो बोलते हैं कि एक बार एक एक दो तीन लेक्चर में प्रभुपाद यमुना माता जी को देखकर बार बार ये बोलते हैं कि पॉलिटिशियंस एंड वुमेन आर लाइक दैट. तो वो एक बार ही वो उनको स्पेशली पूछते हैं कि मैं तुम्हें बार बार ऐसे बोलता हूँ तो तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद ने ये बोला कि जो वैष्णवी है
जो मतलब स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है ये उनके लिए नहीं है ये बात। और वैसे एज अ नेचर, जैसे आपने बुक का भी बताया, और एज अ नेचर वो जो पॉइंट्स होते हैं वो फीमेल में अलग होते हैं, मेल में अलग होते हैं। बट अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है, स्पिरिचुअली भी हम देखते हैं कि अभी जैसे इस्कॉन में भी हम देखें एज अ मूवमेंट, तो ज्यादातर स्त्रियां हैं। आप देखेंगे बहुत समझ भी रही हैं, क्लास में आते हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, है ना। तो वो ही है कि जब स्तर पे आते हैं, जैसे प्रभुपाद ने बताया कि वैष्णवी के लिए नहीं है ये भौतिक जगत में जो महिलाएं हैं उनके लिए ये बातें हैं, ऐसा मुझे समझ आता है। ठीक, थैंक यू मैम. क्लियर है? नाउ यू वुड अंडरस्टूड. शी एक्सप्लेन बेटर देन स्त्रियों को, स्त्रियां ही समझ सकती हैं. तो जैसे क्या प्रश्न? एनी क्वेश्चन? मुझे एक मेरा क्वेश्चन है। हरे हाँ कृष्ण जी, मुझे, हाँ जी. यहाँ पे जैसे बीज बंधु कहा गया है जो मेल्स है बट बॉर्न हुए ब्राह्मण फैमिली में, लेकिन उनके उनमें ब्राह्मणों के कुल नहीं, तो वैसे स्त्रियों को बाइफरकेट क्यों नहीं किया है, स्त्रियों को स्त्री करके ही बोला हुआ है। तो वो उनको द्विज बंधु के सर पे रखा गया ना, उनका प्योरिफिकेशन प्रोसेस नहीं होता है. दे हैव बीन ऑलरेडी कैटेगराइज्ड एट द लेवल ऑफ द्विज बंधु. उसको और कैटेगरी क्या करेंगे? सो शूद्रास, यू नो, विमेन एंड द्विज बंधु, दे आर द सेम कैटेगरी. ओके ठीक है. मटीरियल वुमेन आर नॉट स्पिरिचुअली इंक्लाइंड वुमेन, दैट शुड गिव यू सम सोलेस. ओके, एनीवन एल्स? समय बहुत हो गया. पति माता जी कन्विंस? प्रभु जी, अभी थोड़ा ओके. समय लगेगा, कितना जब करते हो आप? जब करते हो कि नहीं? अभी नहीं प्रभु जी। हाँ, करना शुरू करो, जल्दी समझ आएगा. ठीक ठीक है. है तो प्रभु जी। माता जी, यू आर वेरी सेल्फिश. यू आर चैंटिंग एवरी डे बट यू आर नॉट टीचिंग योर सिस्टर हाउ टू चैंट. हरे कृष्ण प्रभु जी, आई हैड अ क्वेश्चन। द जनेयु संस्कार नहीं, पहले विच मेरा इज प्रश्न क्या उत्तर गिवन, बोला? मैंने प्रश्न क्या बोला? प्रभु आपने जी सिखाया नहीं सबकी माता अपनी अपनी जी? अपनी श्रद्धा है प्रभु जी सबकी। आपने सिखाया, शी प्रयास किया कि हैज नहीं अ सिखाने? नहीं, शी हैज अ चैंटिंग बैग, शी आई गॉट शी बॉट द वन चैंटिंग बैग फ्रॉम कानपुर, इट्स गॉन, आई वाज अच्छा, देयर। अभी करना शुरू कर दो माता जी. जी प्रभु हैं, जी, 2 राउंड्स जी से डे. ठीक ओके प्रभु जी, है. थैंक हाँ, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू। यू. ओके, यस, सॉरी माता जी. देखो, प्रभु जी का इस्कॉन में जनेयु, सूर्य को ब्राह्मण दीक्षा मिलती है और कहीं नहीं मिलती, पता है आपको? ये प्रभु कृपा है. केवल इस्कॉन में स्त्रियों को, और बाहर के लोग बड़ा वो बोलते हैं इस्कॉन प्रभुपाद के विरुद्ध, तो प्रभुपाद रिकग्नाइज दैट दे आर वैष्णवीज, दे कैन डू गायत्री, बट अदरवाइज हर जगह ये नहीं है. दिस इज अ ग्रेट ग्लोरिफिकेशन ऑफ वुमेन एंड डिवोटी वुमेन. यस सुन, यस सुन माता बोले. प्रभु जी आई जस्ट हैड अ डाउट, आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट। डज इट हैव टू डू विद जनेयु संस्कार दैट ब्राह्मण द दीक्षा इज जनरल संस्कार होंगी. यस, सो इट इज डन फॉर मेल्स एंड नॉट फीमेल्स, दैट इज व्हाई। फीमेल को जनेऊ नहीं देते हैं, लेकिन हमारे इस कॉन में गायत्री मंत्र दे देते हैं हमको, तो दे चैन गायत्री. मंजू माता जी, लास्ट क्वेश्चन, देन वी क्लोज, टाइम बहुत हो गया. हरे कृष्ण प्रभु जी, ये एस्पेक्ट आपकी आवाज नहीं है, आपका नेटवर्क कमजोर हो गया घर पे. हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज जा रही है। हरे बोलो, जल्दी से कृष्ण बोलो, टाइम बहुत हो गया. प्रभु जी, ऐसा है कि शूद्रों तथा स्त्रियों को विवाह संस्कार के अतिरिक्त अन्य संस्कार नहीं करना होता है। शूद्रों और
स्त्रियों को विवाह संस्कार के अतिरिक्त कोई अन्य संस्कार नहीं किया जाता है, ऐसे कुछ ऐसा है जो बाद में सीखा है। आवाज नहीं आ रही, आप मेरे को अलग से फोन कीजिए, मैसेज कीजिए, ठीक है? समय बहुत हो गया, सबको रोटी जी मिले। प्रभुपाद की जय, भागवतम महापुराण की जय, गौर भक्त की जय, पांचा कल्पतरु कृपा सिंधु, और इतना नाम पावन वैष्णव। थैंक यू वेरी मच।